पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं निवेदिता मिश्रा प्लेबैक सिंगर हूँ और आज बॉबी जी के जन्मदिन पे आई हूँ। और पहले तो मैं उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें। मेरी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी कुछ दिन पहले मेरा इनके साथ एक भजन आया था, गणेश की दुखियारी माँ। हम लोगों ने साथ में काम किया था, बतौर वीडियो पे भी और सिंगर के रूप में भी। तो काफी अच्छा रहा हमारा वो भी प्रोजेक्ट। और आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट में जो लाइनअप है उनके बारे में कुछ? अभी कुछ 3-4 प्रोजेक्ट लाइनअप है मेरे, जिसमें कि अभी मैं ओपन नहीं कर सकती, लेकिन हाँ बहुत जल्द आप सभी के सामने वो होगा और बहुत ही बड़े लेवल पे है। कहाँ पे देख सकते हैं वो आपके दर्शक? सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो गए, आपके गाना से रिलेटेड जितने भी, आपके सावन, स्पॉटिफाई, जितने भी आपके गाना से रिलेटेड एप्स हैं, या यूट्यूब हो, कहीं भी, सब जगह, सारे प्लेटफॉर्म्स पे होगा वो। ओके, थैंक यू। बॉबी जी, आज आपका बर्थडे है, तो बर्थडे पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपके विशेष रहेंगे और क्या क्या आप कर रहे हैं बर्थडे पे अपने? थैंक यू सो मच। पहले तो मैं सबसे पहले जितने भी मेरे बॉलीवुड के मीडियाज हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और देखिए, बर्थडे मनाने का तो हम कभी भी खुशियाँ कभी भी मना सकते हैं, लेकिन आज इस ओकेजन पर मुझे इसीलिए सेलिब्रेट करना था कि कुछ पुराने मेरे जितने भी या लोग थे जिनको मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, मेरी फैमिली की तरह है, तो मुझे लग रहा था उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि मेरे बर्थडे का एक बहुत अच्छा दिन है जिन पे उन लोगों को सबको मैं बुलाऊंगी और उनके साथ एक फैमिली का एहसास अपने आप को दिलाऊंगी और वो मुझसे भी अपना एक एहसास लेंगी फैमिली की तरह। और मेरा अभी जस्ट क्या है कि बर्थडे पे, वैसे तो मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, साथ में एक एक्ट्रेस होने के नाते एक सोशल वर्कर भी, और मैं माँ शांति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती हूँ। और मैंने सोचा था कि मेरे जन्मदिन के अंदर कुछ चीजें ऐसी अच्छी हों जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों में, उनको भी कुछ भोजन कपड़े वगैरह में अपने इस ट्रस्ट के हिसाब से उनको डोनेट कर सकूं उसी दिन। और ये जितने भी लोग हैं ये सब उनमें इंक्लूड रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि उनकी कृपा, उन लोग की दुआएं इन फैमिली में हमेशा बनी रहे। और कई लोग हैं जिन्होंने वो सेवा भेजी है। कतर से मेरे फ्रेंड है मिस्टर एलविन, वो एक बहुत अच्छे टीचर है और बहुत ही ह्यूमन बींग्स पर्सनैलिटी है, बहुत ही दिल से बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कतर से, उन्होंने मुझे जो भी धनराशि समय अपने मेरे ट्रस्ट को भेजी है उसका वो प्रतिफल उनको जरूर मिलेगा इसमें। एक मेरे अमेरिका में फ्रेंड्स है कैलिफोर्निया में, मिस्टर मनजिंदर सिंह जी, उनको भी दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दिल्ली में ब्लेसी है, और एक राज ठाकुर मॉडल है दिल्ली से, और भी कई हैं। एक विक्कल बिजनेसमैन है, पहले एक्टर थे लेकिन अभी बिजनेसमैन है, लेकिन वो अभी 2 हफ्ते से दुबई में है, तो वो आएंगे तो विजिट करेंगे, तो कुछ ना कुछ वो हमारी ट्रस्ट को करेंगे, तो मैं दिल से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। बाकी सारे मेरे साथ में है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अपकमिंग मेरा अभी सोलह सुशांत एक म्यूजिक वीडियो और आ गया है, इससे पहले हमारी मेरी फैमिली के जो सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है निवेदिता मिश्रा जी, तो अभी उनका पीछे गणेश की दुखहरी में आया था, और अभी उनके 2-3 प्रोजेक्ट और आने वाले हैं, लेकिन अभी प्रोडक्शन की तरफ से मना किया हुआ कि अभी बाहर ओपन नहीं करना उन चीजों को लेकर। तो मेरे भी 1-2 प्रोजेक्ट है, अभी मैं भी ओपन नहीं कर पा रही हूँ कि अभी उनका काम भी शुरू करूंगी दिवाली के बाद। और अभी करंट मेरे ऐसे एक्टर 3-4 प्रोजेक्ट मेरे आ रहे हैं, और एक आ रही है अनुभव सिन्हा की जो वाइफ है रत्ना सिन्हा, जिन्होंने राजकुमार राव को लेकर फिल्म बनाई थी, तो उनके साथ में एक मेरी मूवी आने वाली है तू चाहिए, अक्षय उबराय के साथ में। सेकंड मेरी एक वेब सीरीज आ रही है प्रोवाइडर, थर्ड आ रही है मेरी 9 मंथ्स, और फोर्थ मेरी आ रही है पेपर रॉकेट मूवी। ये 4 प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी मेरी रिलीज पे है, और अभी एक मैंने एड फिल्म की है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर ट्विंकल खन्ना है। तो बस मेरा कैरियर समाज सेवा और इससे ज्यादा बढ़कर क्या हासो और हसाओ, इससे ज्यादा और क्या बोलूंगी मैं आपसे। और आप और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? हाँ और आपका एक गाना भी लॉन्च हुआ है अभी, सोलह सुशांत, सोलह शशांक, कहाँ पे लॉन्च हो रहा है? अभी जस्ट हमने वो यूट्यूब पे डाला, रेड रिबन प्रोडक्शन ने, जो म्यूजिक कंपनी रेड रिबन प्रोडक्शन हाउस भी है वो कंपनी भी है, तो उन्होंने अभी रिलीज किया है। और इसके बाद वो क्या नाम है, एप्पल पे आने वाला है, Gaana.com पे आने वाला है, जियो पे आने वाला है, तो काफी सारी जगह पे वो आने वाला गाना, अभी वो वहां डाला है। एक बार दिखाओ जरा, एक बार पीछे से। हाँ ये
ये आने वाला है इसलिए, और ये गाना मैंने सुशांत भाई को, वो हाँ सुशांत भाई के लिए स्पेशल मैंने गाने का निर्माण किया है, मेरी कंपनी ने किया है और डायरेक्टर और एक्टर भी इसी अंदर में है, तो काफी सारे अच्छे कलाकार न्यू कलाकार उन्होंने भी इस म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है इसलिए। और मेरा इसको बनाने का मतलब यही था कि जितने भी कलाकार जितने भी युवा एक्टर बॉलीवुड में आना चाहते हैं तो वो मोटिवेशन लें, डरे ना बिल्कुल भी, न्यूपोटिज्म से बिल्कुल भी घबराए नहीं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखें, अपने सेल्फ पे विश्वास रखें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बस आप में दम होना चाहिए अपने आप को उस मिसाल उस राह पे पहुंचने के लिए, बस कोई आपको रोक नहीं सकता आपके काम को लेके, इसलिए इसका बनाने का मकसद ये था, क्योंकि लोग डर गए थे, क्योंकि जब सुशांत भाई के साथ ऐसा हादसा हो तो बहुत सारे लोग फिल्म लाइन से पेरेंट्स डर गई, अरे हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, पर नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आपके बच्चे में वो टैलेंट है वो है, उसकी राह और मंजिल अपने आप बनती चली जाएगी और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, और इस वीडियो को बनाने का यही अच्छा था। इसके अंदर प्रोड्यूसर भी मैं थी, मैंने अपने पैसों से अपनी अपनी कान की बालियों को सेल करने के बाद इस वीडियो का निर्माण किया था, ताकि आने वाले बच्चे और पीढ़ी को एक संदेश मिल सके, बस सबसे मैंने की उनके अंदर का कलाकार हमेशा जिंदा रहे, और मैं एक कलाकार होने के नाते मैं सुशांत बाबू को बहुत मिलती थी, दो बार मैं मिल चुकी हूँ उनसे, उनका बहुत अच्छा दिल सोल है और दिल से बहुत खूबसूरत इंसान है, फिल्म सिटी में मिली हूँ और पर्सनली एक दो बार और बॉलीवुड पार्टी में मिली हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच। आप आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी ग्रो कर रहे हैं एक्टर्स लाइन में और जो अभी इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? और आपके अभी एक प्रोजेक्ट रिलीज हुआ था ब्रीड करके, हाँ जी तो हाँ जी जी हाँ जी हाँ वो जी बहुत मोटिवेशनल मूवी थी, तो उसके बारे में कुछ बोले आप। जरूर, मैं जरूर बताना चाहूंगी। मैं ब्रीड मूवी एक ट्रांस बेस मूवी थी, वो हमने कहीं ना कहीं वो मेरे जिंदगी के पहलुओं को छू दी थी, वो फिल्म को निर्माण करने में मुझे 7 साल लगे, क्योंकि खुद मैंने अपने पैसों से बनाया, मेरा घर भी बिका, जेवर वगैरह काफी सारी चीजों का तालमेल सब बिगड़ गया इसमें, उसको बनाया और मैं फंस गई कोरोना काल में, और वो फिल्म का रिलीजिंग सही ढंग से नहीं हो पाया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मुझे रिलीज करना पड़ा, लेकिन इंडिया में इतना अच्छा उसको स्कोप नहीं मिला, लेकिन अमेजोन प्राइम पे यूके यूएसए और जर्मनी में उस फिल्म को 3.5 स्टार मिले, उस फिल्म को वहां पे उनको पसंद किया जा रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि मेरे सब्जेक्ट को अगर मेरी कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो बाहर की कंट्रीज उसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक दिखाया था कि ट्रांस करेक्टर की जिंदगी के उतल पुथल, जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाए होते हैं जो मैंने भी खुद फील किए हैं, तो मैंने फिल्म में उसको दिखाने की कोशिश की है कि आने वाले इस तरह के बच्चों को अपने घरों में प्रेम स्नेह और उस दुलार से उसके कैरियर को आगे बढ़ाएं, और वही आपकी जिंदगी का सहारा बन सकते हैं, उनको अपने से अलग मत रखिएगा, क्योंकि माँ जब किसी बच्चे को पैदा करती है ना तो ये नहीं सोचती कि मेरे अंदर क्या पलता है, सिर्फ वो सोचती कि जो भी है वो मेरा अपना है, वो ना वो लड़का होता है ना लड़की होता है, तब भी अगर जब भी कुछ भी हुआ वो एलजीबीटी से भी हुआ तो वो माँ माँ ही होती है, उसको वो अपना बच्चा ही नजर आएगा, वो किसी रूप में भी आएगा, अगर मैं कहती हूँ मेरा जन्म अगर इस रूप में आया तो मैं बहुत यूनिक हूँ, मुझे भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है, क्योंकि इस तरह के जो हम लोग भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं बहुत कम पैदा होते हैं, कम लोगों में होते हैं, और उनका मेन मकसद ये होता है समाज में भलाई करने, और आप सोचते हो कई बार तो महादेव को त्रिशक्ति भी बोलते, तो हम लोगों को उससे भी लोग समझते हैं, तो मुझे तो प्यार और स्नेह चाहिए, हम तो आशीर्वाद देते हैं अपने, बस ये कोशिश करते फिल्म में भी बॉलीवुड के अंदर। जो बच्चे अभी LGBTQ के नए नए मेंबर्स बन रहे हाँ हैं, जी 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 जो ग्रो करना चाहते हैं इंडस्ट्री हाँ में, जी हाँ इस जी सोसाइटी से लेकर, हाँ जी तो जी उन्हें क्या आप एक मैसेज देना मैं चाहेंगे? बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मैंने इसे फिर अपनी अपनी इस पर्सनैलिटी को बनाने में मुझे 20 साल लगे बॉलीवुड में, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं 20 साल मैंने इंडस्ट्रीज में अपने दम पर लगाए हैं तो आने वाली जनरेशन के बच्चे क्यों नहीं लगाए, मुझसे इन चीजों को मोटिवेशन हो खुद ही कि देखो बॉबी कुमार ने किया तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते यार, एक नॉर्मल देखो नॉर्मल इंसान को भी अगर 20 साल अगर इंडस्ट्रीज में कुछ लगा के वो कुछ नहीं कर पाते लोग, मैंने तो उस चीज को उपलब्धि करी है ना अपनी चीज को, मुझे समय लगा, तकलीफों का सहन पे है लेकिन पीछे नहीं है, मेरे कभी नवाजू भाई ने मुझे एक ही बात कहा था, मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक ऐड कर रही थी फोकट सरकार की, तो उन्होंने कहा था कि अरे मैंने कहा कि सर मुझे ना 16 साल हो गए, तो बोला अरे 22 साल तो हमें भी हो गए, हमने 22 साल तक इस इंडस्ट्रीज में छोटे छोटे रोल करके हम यहाँ पर पहुंचे हैं, तो मैंने बोला सर हम लोग, उन्होंने बोला तुम कहाँ हो, मैंने बोले मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो बोले आप मेरे साथ अभी इस एड के अंदर लीड हो,
यहाँ तक आने के लिए जो आपने सफर तय किया है, ये छोटा सफर नहीं था, ये पूरा हुआ आज मेरे साथ लीड करके। कभी पैसे से किसी की कलाकारी को मतलब दाव पे मत समझो, या उसका उससे उसके साथ उसका मेल मत करो। कलाकार कलाकार ही होता है, सिर्फ इसका भूखा होता है, इसका नहीं होता। लेकिन जीवन यापन के लिए ये भी बहुत जरूरी है, एक कलाकार को ये भी चाहिए। तो मेरी जितने भी कलाकार हैं, भाई बंधु हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी से और आने वाले यूथ के लोग हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज में उनको काम जरूर मिले, चाहे 1 रुपया ना मिले, लेकिन कम से कम 25 पैसे तो मिले, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। और मेरे दिल से मेरे आने वाले जितने भी युवा पीढ़ी के लोग हैं और एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, दिल से धन्यवाद देती हूँ। आइए, मोस्ट वेलकम, बॉलीवुड में आइए। कुछ लोग अच्छे लोग हैं जो आपको आगे रास्ता दिखाएंगे और कहीं ना कहीं आप उनके साथ जरूर काम करेंगे। और लास्टली आप अपने फैमिली वालों को, ये जो लोग यहाँ पे आए हैं, कैसे थैंक यू बोलना चाहेंगे? मैं थैंक यू नहीं, देखिए थैंक यू बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो गया ना। मैं वो फील करती हूँ, वो फीलिंग उन तक पहुंच जाती है, बस वही मुझे वो एहसास चाहिए। थैंक्स थैंक्स, ये हम लोग बॉलीवुड में करते नहीं, ये तो राखी सावंत, ये सलीन चोपड़ा, ये करती रहती है, वो थोड़ी करना हम लोग। हम दिल से जब गले मिलते हैं तो हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन उनके पास जाती है और उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे पास आती है, तो यही दिलों का मेल होता है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, यही हमारे काम। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव यू एवरीवन, इसे थे और मेरी प्यारी मीडिया को भी थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, नमस्कार, मैं वेद प्रकाश। आज अच्छा लग रहा है, बॉबी सर का बर्थडे है, मैं उनको विश करने के लिए आया हूँ। बॉबी सर, थैंक यू सो मच। वेद, आप अपना समय निकाल के आए, क्योंकि वो थिएटर के बहुत बड़े अच्छे कलाकार हैं। आज उनका भी थिएटर में से थोड़े से टाइम निकाल के मेरे लिए स्पेशल आए हैं वो सर। थैंक यू सो मच वेद जी, सीए थे। और हेलो, मैं अंकुश भवेरवाल, और बॉबी जी के बर्थडे पे इन्होंने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच, शुभकामनाएं। क्योंकि देखिए बिजी लोग होते हैं, बॉलीवुड से कनेक्टेड लोग होते हैं, तो हम अपना कुछ समय निकालते हैं हम लोग, लेकिन अपने परिचित लोग हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं और कला क्षेत्र में जो काम करते हैं उनके लिए समय निकाला जाए तो वो समय अमूल्य हो जाता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो ये आप एक कलाकार हैं तो मुझे ज्यादा कहने की जरूरत है नहीं, इसलिए भागदौड़ भरी जिंदगी हर आदमी की, लेकिन अपनों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया जाए, इससे अच्छी बात। बिल्कुल, और कोरोना के बाद तो सिनेमा बदला ही है, तो अभी जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन अब बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है इस फील्ड के अंदर ना। हाँ। जद्दोजहद बहुत जरूरी, जीवन यापन के लिए, काम के लिए, तो ये अपनी जीवन या आप आगे बढ़ाने के लिए बहुत चीजों को करना पड़ रहा है। आदमी का जीवन है, मतलब हर एक दिन अलग होता है, और जीवन रोज का है, तो संघर्ष रोज है, चीजें रोज है, रोज नई चीजें हैं, रोज नया जीवन है। और आप तो थिएटर को बहुत लंबा टाइम आपने दिया है, तो इसलिए 7-8 साल तो बहुत हो गए। और इस इंटरव्यू के माध्यम से अगर कोई नए आर्टिस्ट बॉलीवुड में आते हैं तो वेद जी से परिचित जरूर करें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके इस पे आपको जरूर मिलेगा। कोई भी थिएटर करना चाहता है, इस थिएटर से सब चीजें करना, अपने आप को पॉलिश करके बॉलीवुड में आना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे शुभ चिंतक है वेद जी, बहुत प्यारे आर्टिस्ट है और इंसान बहुत अच्छे हैं, तो जरूर आइएगा, हम तो यही चाहते हैं। आपने सर वो सही कहा कि जैसे आप किसी फील्ड में जाते हो, हाँ जी, तो उसकी तालीम लेना बिल्कुल बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। किसी से भी सीखिए, कहीं पे भी सीखिए, लेकिन आपकी जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आप कैमरे के सामने कैसे बोलते हैं। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है वेद जी, कई बार ये चीज बिजनेस में भी आती है, लेकिन कई लोग हम चाहते हैं कि अपने जीवन यापन का एक थोड़ी सी चीजों के अंदर ही हम किसी को अगर अच्छी चीजें अगर दे सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। अब जरूरी नहीं होता ना कि सबके अपने अपने डिमांड होती है सिखाने की है, अभी निमित किशोर है, रोशन तनेजा है, तो ये सारे मैं मुझे पर्सनली जानते हैं ये लोग, तो मुझे पता है ना कि वो स्कूल है उनका कितना, उनके सीखने के बाद भी कई लोग मुझे मिलते हैं, खुद वो लोग खुद ही कहते हैं वो लोग कि अरे हमारे स्टूडेंट को मौका दीजिए आपके प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह में, हमें खुद मुझे संपर्क करके क्या होता है, अप्रोच तो करनी ही पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सीखें, लेकिन जब तक आप अपने आप को अप्रोच नहीं करोगे, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करोगे, तो लोग कैसे पता चलेगा कि आप बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे एक्टर हैं, किस टाइप के एक्टर हैं, कितनी मेहनत की है, कब से रह रहे हैं मुंबई से शहर में, इतना फास्ट शहर है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि कब, कई बार लोगों के साथ कई सारे अच्छे बुरे हादसे भी हो जाते हैं, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हर आदमी को अपने मुकाम को पहुंचने के लिए काम करते रहना चाहिए। और आज बहुत ही खुशी का दिन है, बिकॉज़ फिर से मैं एक बार बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा इतना समय निकाल के वेद जी आए रियल में, और काफी फ्रेश लग रहे हो, और अंकुश आप भी बहुत फ्रेश लग रहे हो। थैंक यू सो मच आप लोग आए।